सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सके। सो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम देखेंगे सूडो एलिमेंट्स, उसको कैसे यूज करते हैं एंड उसकी मदद से हम एक हर्ड बनाने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी है। मैंने इस फाइल का नाम दिया है फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। एंड उसके बाद हमें नॉर्मल एच टी एम एल लिखना है जो होता है। ओके गाइस, एंड इसके बाद हम टाइटल में दे देते हैं हाउ एडवांस सी एस एस, दे देते गाइस एडवांस सी एस एस। ओके गाइस, ये हो गया है और हमें इस लिंक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज हम इंटरनल सी एस एस डालेंगे। इसके नीचे हम स्टाइल टैग डाल देते हैं और स्टाइल। ओके गाइस, ये हो चुका है एंड हमें पहले बॉडी पे आना है। अब यहाँ पे हमें एक डिव लेना है, उसके अंदर एक डिव लेना है। सो गाइस, सबसे पहले हमें एक डिव लेना होगा, ये डिव। अब हमें इस क्लास दे देते हैं, मैं इसे आउटर दे देता हूँ। एंड इसके अंदर हमें एक डिव लेना होगा, उसकी क्लास मैं दूंगा इनर, इसकी इनर दे देता हूँ गाइस। ओके, अब हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये हो चुका है। अब हमें सारा स्टाइल करना है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पे पूरी स्क्रीन ब्लैंक है। सो अब हमें स्टाइल करना होगा। सबसे पहले हमारा वही यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं एंड वहाँ पे पैडिंग 0, मार्जिन 0 कर देते हैं फटाफट। 0 मार्जिन 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके गाइज, ये हो गया है। अब हमारा सबसे पहला कौन सा क्लास है? आउटर, तो हमें डॉट आउटर करना होगा। अगर हमें क्लास को एक्सेस करना होता तो हमें डॉट लगाना ही होता है। एंड हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए। अब इसमें हमें पूरा कोड लिखना होगा इसके लिए। अब ओके, तो सबसे पहले डिस्प्ले, मैं आज ग्रिड से करूँगा गाइज, इसको सेंटर में लाने के लिए वर्टिकली। एंड प्लेस आइटम सेंटर। ओके गाइज, एंड इसके बाद हमें टेक्स्ट अलाइन, उसे सेंटर करना होगा। एंड आइटम अलाइन, अलाइन आइटम, उसे सेंटर करना होगा। ओके गाइज, ये हमारा आउटर का है। एंड इसके बाद हम इनर पे आ जाते हैं, डॉट इनर। ओके गाइज, सो हमें पहले सबसे पहले इसको विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ देते हैं 200 पिक्सल्स एंड हाइट भी सेम रखते हैं, हाइट 200 पिक्सल्स। ओके गाइज, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड देना है। सो इसका बैकग्राउंड मैं रेड दे देता हूँ। पहले हम देखते हैं ये कैसा दिख रहा है अभी। रिफ्रेश गाइस, देखिए ये सेंटर में तो आ ही चुका है। अब इसमें हम बिफोर और आफ्टर यूज़ करके इसको अच्छा बनाएंगे। ओके, सो हमने इसको रेड दे दिया है। इसके बाद हमें इसको देना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और नहीं इसे डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देना, इसे नहीं देना है। ओके, एंड इसके बाद हमें इसकी पोजीशन देनी होगी। अगर हमें बिफोर आफ्टर यूज़ करना होता है तो हमें पोजीशन देनी पड़ती है, इसको रिलेटिव देनी होगी क्योंकि ये इनका पेरेंट होगा। ओके, एंड फिर इसका हमारा इनर लिख के फिर हमें लिखना होगा बिफोर। ओके गाइस, कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके बाद हमें कंटेंट डालना होगा। हमारे पास अभी कुछ कंटेंट है नहीं इसलिए हम इसको ब्लैंक ही रखेंगे। ओके, एंड इसमें हमें पोजीशन डालनी होगी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। ओके गाइस, एंड इसकी हमें विड्थ 100 करनी होगी एंड हाइट भी 100% ताकि ये सेम ऊपर वाली हाइट ले ले जो इसकी पेरेंट की है। ओके, इतना हो गया हमारा। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। सो गाइस, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें ऐसे एक बैकग्राउंड कलर भी देना होगा। बैकग्राउंड में ऐसे दे देता हूँ ब्लू। ओके, एंड अब देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? हमने यहाँ पे डॉट ही नहीं लगाया हुआ इसलिए।
गाइस अब हमने डॉट लगा दिया एंड देखिए ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे अब हमारा ये हो चुका है एंड हमें अब ऊपर देना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके एंड अलाइन आइटम्स वो भी सेंटर, ओके एंड अब हमें यहाँ पे हमने इसको कलर दे दिया है ब्लू एंड इसे बॉर्डर रेडियस देना होगा ताकि इसमें जो साइड के कर्व आ जाए वो हम इसे देंगे 50% ताकि पूरा सर्कल आ जाए, ओके एंड अब हमें देखते हैं क्या करना होगा, पहले देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। सो गाइस ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, सबसे पहले मैं वो रेड वाला नीचे ले आ दूँ थोड़ा। सो हम यहाँ पे इसे देंगे मार्जिन टॉप 200 पिक्सल्स सही रहेगा एंड देखते हैं गाइस ये आ चुका है यहाँ पे एंड अब हमें इसे देना होगा बॉटम क्योंकि हमें इसे थोड़ा ऊपर लेके जाना है, बॉटम कितना दे कितना पहले 50 पिक्सल्स दे के देखते हैं। सो ये इतना आ चुका है और मैं अब ये रेड वाला जो हमारा एलिमेंट है इसे भी रोटेट कर देता हूँ। सो हम इधर ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म एंड फिर उसके बाद रोटेट, ओके एंड इधर एंगल डालना होता है गाइस, ओके सो हम इधर 43 डिग्री करके देखते हैं सही है या नहीं। सो गाइस मेरे हिसाब से ये परफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लेंगे अभी के लिए सही है बहुत, ओके एंड अब इसे कॉपी करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया, अब यहाँ पे आफ्टर लिख देंगे गाइस एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड हमें इतना सेम का सेम लेना है बस, बॉटम वगैरह चेंज होगा, इसका कलर अभी के लिए मैं ब्लू दे देता हूँ, ब्लू से येलो ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए कहाँ कौन सा है एंड हमें अभी यहाँ पे बॉटम नहीं देना है, हमें यहाँ पे राइट देना है राइट, ओके गाइस देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। सो गाइस ये इतना आ चुका है, अब हमें इसे साइड साइड में लेके जाना होगा थोड़ा, सो इसे राइट से थोड़ा और देता हूँ, मैं राइट से करता हूँ 90 दे देता हूँ। सो गाइस ये तो अपनी जगह पे परफेक्ट आ चुका है एंड अब हमें क्या करना होगा, इसको परफेक्ट करना है सो इसको भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ एंड इसे भी 90 ही कर देता हूँ, हो गया है एंड गाइस ये भी अपनी पोजीशन पे आ चुका है, अब इसका कलर हम दोनों का रेड कर देते हैं, येलो से कर दिया रेड एंड ब्लू को भी रेड एंड सेव एंड रिफ्रेश। सो गाइस ये वाला कर्व तो बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है शायद मुझे, तो मैं इसे थोड़ा सा एक कम कर देता हूँ 89, सो ये वाला भी ठीक हो गया है एंड इसे भी 89 ही कर देते हैं, ओके सो गाइस ये एकदम परफेक्ट हो चुका है एंड अब हम नीचे लिख देते हैं कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं, ओके सो इसके नीचे मैं H1 ऐसे ही ले लेता हूँ एंड उसके नीचे चैनल का नाम भी लिख देता हूँ टेक विद हर्षित एंड गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड हमें इसको भी टॉप मार्जिन देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉट आउटर में जो हमारा H1 है उसे मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स सही रहेगा, यस गाइस। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आपको आज अच्छी लगी होगी एंड देखिए ये हमारा बहुत परफेक्ट बन चुका है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोस के लिए।